धार जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीथमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते नजर आए। पीथमपुर नगर पालिका परिषद चुनाव अपने चरम पर है। उम्मीदवारों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार की देर शाम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भाजपा पार्षद के समर्थन में प्रचार के लिए धार मुख्यालय से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पीथमपुर के इंडोरामा मंदिर सभा स्थल और पीथमपुर के हाट मैदान पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की है। आप देखिए ताकि गरीब को राशन मिल सके। तीसरी बात और मैं कहना चाहता हूं, और वो बात है अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई की। देखो गरीबों के बेटा बेटी में भी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, अकल होती है, बुद्धि होती है, बोलो होती है कि नहीं। लेकिन पढ़ने की ठीक सुविधा नहीं मिलती, इसलिए उसके बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब सुनो मेरे बहनों और भाई, सीएम राज स्कूल हम अलग खोल रहे हैं, जहां प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने की सुविधा देंगे। कई जगह सीएम राज स्कूल बनना शुरू हो गए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजें तो हम देते ही। सरकारी स्कूल में निःशुल्क किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म के पैसे देते हैं, लेकिन अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे वो चिंता ना करें। उन बच्चों का अगर एडमिशन ऊंची क्लास में होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उनकी फीस फिर मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और इसलिए बच्चों की नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ। विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले मनोज जायसवाल जी आज हमारे बीच मौजूद है, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी अभी अभी यहाँ पर सभा लेकर गए, आम सभा लेकर। क्या क्या उन्होंने क्या क्या इस जनता को आशीर्वाद दिया और किस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए आने वाले समय में बात करी, तो हम बात करते हैं मनोज जायसवाल जी, वार्ड क्रमांक 30 के अधिकृत प्रत्याशी। हाँ जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सभा थी हमारे यहाँ 5 वार्डों में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इंतजार में आज 4 घंटे जनता ने इंतजार करा। हजारों की संख्या में लोग आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने, और मुख्यमंत्री जी का एक स्नेह है और प्रेम है जनता के बीच में, वो आज देखने को मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बहुत अपने सीधा संवाद किया है, उनसे जनता से वो सीधा संवाद करते हैं, और आज भी उन्होंने सीधा संवाद किया और जनता से एक परिवार के रूप में बातचीत करके गए। कई योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 5 पार्षद को जवाबदारी देके गए हैं कि आप सबको इस क्षेत्र की जनता में चिन्हित करके जो जो हमारी जो शासन की योजनाएं चल रही है, जो शासन की योजनाओं से जिनको नहीं मिल पाई है उन लोगों को योजना दिलवाना, आयुष्मान की योजना हो या राशन कार्ड की पर्चियां हो, ऐसे कई सारे चीजें जो अभी तक जनता में कुछ नहीं पहुंच पाई किसी कारण से, तो वो चिन्हित करके हमें जवाबदारी देके गए हैं कि आपको ये सब काम करना है जनता के बीच में जाकर। जिन्हें हमें 5 पार्षद को जवाबदारी देके गए हैं कि आप सबको इस क्षेत्र की जनता में चिन्हित करके जो जो हमारी जो शासन की योजनाएं चल रही है, जो शासन की योजनाओं से जिनको नहीं मिल पाई है उन लोगों को योजना दिलवाना, आयुष्मान की योजना हो या राशन कार्ड की पर्चियां हो, ऐसे कई सारे चीजें जो अभी तक जनता में कुछ नहीं पहुंच पाई किसी कारण से, तो वो चिन्हित करके हमें जवाबदारी देके गए हैं कि आपको ये सब काम करना है जनता के बीच में जाके। मनोज जायसवाल एक चल रहे हैं तो उनके साथ एक जनसैलाब चल रहा है, तो क्या माने हम 5 वार्ड के? ये जनता का प्रेम है मेरे प्रति। मैं विगत 25 सालों से जनता की सेवा में लगा हूं, और मुझे 4 से 5 बार पार्षद के रूप में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए उन्हीं के दम पे और बल पे मैं खड़ा हूं। कांग्रेस कह रही है कि हम यहां से 5 सीट जीत रहे हैं, उसका क्या? अब कांग्रेस तो हमेशा ख्याली पुलाव बनाती रही है, और विगत 15-20 सालों से हमारी नगर परिषद रही है, और मैं आपसे उपाध्याय जी वादा करता हूं कि इस बार भी नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही रही। तो जनता क्या माने कि पूरे 31 वार्डों में कितना पार्षद लेंगे? 31 वार्डों में हम भारतीय जनता पार्टी के 31 ही पार्षद जीत के आएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। तो ये थे हमारे साथ मनोज जायसवाल।
में से 31 ही पार्षद जीत कर आए। हमारे साथ लाखन पटेल जी भी मौजूद हैं, इनसे भी 2 मिनट चर्चा करते। लाखन पटेल जी, किस तरह आप तैयारियां कर रहे हैं और क्या आश्वस्त हैं जीत के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, वहाँ की जनता। मंच पर धार जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव यादव, विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव, वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी अशोक पटेल सहित भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशी उपस्थित थे। पीतमपुर से दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।